पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में हैं, लेकिन अपने घरों में जो लोग बैठे हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो पुलिस सड़क पर उतरकर फ्रंट लाइन पर, और जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि कोरोना वायरस के लिए मैदान जंग में उतरे हुए जो सिपाही हैं वो हमारी पुलिस है और डॉक्टर्स हैं। और आज हम पहुँचे हैं साउथ एवेन्यू थाना, जहाँ हम बात करेंगे ACP प्रज्ञा आनंद जी हैं जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, सुहेब साहब हैं जो SHO हैं, और विलायत फाउंडेशन से इस वक्त हमारे साथ तकी साहब हैं। सबसे पहले ACP साहिबा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है मैम मेरा आपसे कि जो इस तरह की NGOs हैं, जैसे ये विलायत फाउंडेशन है, नाइस वेलफेयर है, ये लोग जिस तरह से काम करते हैं और लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं, एक तरफ आप लोग मदद करते हैं, लोगों को घर में रहने की हिदायत देते हैं, तो इन लोगों के लिए आपके क्या ख्यालात हैं, क्या इन लोगों के लिए कहना है? मैं कहूँगी पूरे लॉकडाउन में इन NGOs की वजह से हम बहुत बेहतरीन काम कर पाए। हमारे पास मैन पावर है, पर ये जो फूड हो या राशन हो, ये सब जो ये प्रोवाइड करते हैं, हम थ्रू अपने मैन पावर इनको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। पर बैकग्राउंड में लोग ये नहीं देखते कि ये जो NGOs हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने ज़रूरी होते हैं। ये अपने थ्रू जो एड्स और फंड्स लेके हमारे पास आते हैं, इसलिए फर्दर हम सामने कुछ कर पाते हैं। इसके अलावा आज जो ये विलायत फाउंडेशन साउथ एवेन्यू थाने पहुंची है, दिस इज़ हाईली मोटिवेटिंग। एंड जैसा कि वो उन्होंने लिखा है अपने इस पे, दे आर एट वर्क सो दैट वी कैन बी सेफ एट होम। सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि यू नो, बीइंग एट होम वाज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कुड डू टू अस। सो थैंक यू सो मच, एंड वी आर रियली मोटिवेटेड कि हमारे काम को सराहा जाता है और लाइक किया जाता है। सो थैंक यू फॉर कमिंग आउट टू अस। यहाँ थाना साउथ एवेन्यू के जो SHO हैं, सुहेब फारूकी साहब, सुहेब अहमद साहब, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। वो एक पुलिसकर्मी तो हैं ही, पुलिस अधिकारी तो हैं, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। इनकी एक नज़्म जो कोरोना दौर में सबसे ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने सुनी और उससे बहुत ज़्यादा असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा है। सुहेब साहब, सबसे पहले स्वागत INN चैनल पर आपका। पहली बार आप INN चैनल पर हैं, मुलाकात को इतना वक्त हो चुका है। सबसे पहले क्या कहना है इस दौर में, कोरोना वायरस के दौर में लोगों से क्या अपील है सबसे पहले? मेरा यह कहना, अब कहने के लिए मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है। अगर ये कोई ये समझे कि अब कुछ कहना सुनना है तो इसका मतलब वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। हम सब लोग अवेयर हैं। वही मजमून जो मेरी नज़्म का है वही है कि मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है। मुफलिस हो या नवाब, कोरोना से जंग है। और ख़ुद कर लो इंतखाब, कोरोना से जंग है। सिंपल सा मैसेज है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री साहब की अपील है, और बेसिक्स हैं कि हाथ धोएँ, साबुन हो, सैनिटाइज़र हो, बस बाकी ये है। और संक्रमण काल है और खुदा के से हमें उम्मीद है कि जल्दी हम निकल जाएगा। और आप लोग जो हमारे इतने बढ़िया खैर ख्वाह हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। शुक्रिया। तकी नकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ, जो कि थाना साउथ एवेन्यू पहुँचे हैं। विलायत फाउंडेशन है इनकी, नाइस वेलफेयर है इनका। किस तरह से काम किया आप लोगों ने अब तक, बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा ये दो जुमलों में बात। और आज यहाँ थाना साउथ एवेन्यू पहुँचे, क्या मकसद था इन लोगों को मोटिवेट करने का, इन लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को ये सब देने का? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ACP मैम प्रज्ञा आनंद साहिबा का और SHO साहब सुहेब अहमद साहब का, कि इन्होंने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनकी सेवा में एक बहुत छोटा सा हदिया पेश करें। जहाँ तक हमारे कामों का सवाल है, दो NGOs हैं जो हम मिलकर काम कर रहे हैं, विलायत फाउंडेशन और नाइस वेलफेयर ट्रस्ट। इसमें बेसिकली तो हम एजुकेशन, गरीब बच्चों के एजुकेशन पे काम करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई विपदा आ जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जहां सब परेशान हैं, तो उसमें हम वेलफेयर और मदद की जो ज़रूरत होती है वो करते हैं। और इस सूरत में भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ ही दिनों में हमने देखना शुरू किया कि जो डेली वेजर्स थे, जो रोज़ कमाते खाते थे, उनके साथ परेशानी होने लगी, तो लोगों के पास खाने पीने की मुश्किलें हो गई। तो हमने मिलकर अपने दोस्तों के साथ कुछ फंड्स इकट्ठा किया और फिर हमने उन्हें किट राशन की बना के बांटना शुरू की। और वो धीरे धीरे जब काम शुरू हुआ, अलबत्त काम थोड़े से शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब ये काम बढ़ा तो ये पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन हम 17 स्टेट्स तक हमने यहाँ पहुँचे और लोगों ने हमें मदद की। उसके बाद अब जो सिचुएशन है वो, उसके बाद हमने जो देखा वो जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, उसके साथ साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो हम सब की मदद कर रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है और प्रेस वाले हैं, इन लोगों ने इस तमाम जल्के वो ऐसा कहा जाए जैसे कि मैदान जंग में थे और सबसे आगे फ्रंट पे थे, क्योंकि उनके सामने सबसे ज़्यादा ख़तरा था
कि वो खुद संक्रमित ना हो जाएं, लिहाजा उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो हमने उनको उनके सैल्यूट करने के उनवान से कि बाज जगह हमने ऐसे किस्से भी सुने कि जहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, लेकिन वो बहुत कमी है, पूरे हिंदुस्तान में उन्हें सराहा जा रहा है और हमने भी जी जी कोऑपरेट किया और कर रहे हैं। लिहाजा हम भी इसी उनवान से यहाँ पर आए हैं कि अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनकी वजह से हम घरों में सेफ हैं, हम और हमारे बच्चे और हमारी फैमिली सेफ हैं, उन्हीं को हम एक थैंक यू कहना चाहते हैं और उनको एक सिंपल सा तोहफा है कि जो हमने उनकी खिदमत में पेश किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो सबकी सेवा में लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप तमाम लोगों का INN चैनल से। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं लोग उनका साथ देते रहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।